मैं रोहित सिंह परीछा समस्त ग्रामवासियों व देशवासियों को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सब लोगों की मंगल कामना करता हूं। साथियों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि हम लोग किसानों के समर्थन में शांतिपूर्ण ट्रैक्टर रैली का आयोजन करें। तो मेरा आप सब ग्रामवासियों से, नौजवान साथियों से निवेदन है कि हम लोग पारीछा से झांसी तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, तो आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहते हैं और आप सब लोग इस रैली से, इस ट्रैक्टर रैली से जुड़ने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद, जय अखिलेश। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के प्रथम चिरगांव आगमन पर एक विद्यालय में मंडल बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज देश में जो अराजकता का माहौल था वो अब लगभग समाप्त हो रहा है। चिरगांव में आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के प्रथम चिरगांव नगर आगमन पर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मंडल बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष ने दीप प्रज्वलित कर किया। पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, जहां उन्होंने 70 वर्ष से अधिक के कार्यकर्ताओं से विशेष रूप से मुलाकात की व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आज देश में जो अराजकता का माहौल था वो अब लगभग समाप्त हो रहा है। पीएम मोदी व सीएम योगी के कुशल नेतृत्व में अपराधी अपना क्षेत्र छोड़कर भाग गए हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है। इस मौके पर बवीना विधायक राजीव सिंह पारीछा, गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत, सदर विधायक रवि शर्मा सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। और सबसे बड़ी बात है कि गुंडागर्दी भी जो AK-47 लेकर सड़कों पर लोग घुमा करते थे, आज योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है और राज्य को छोड़कर बाहर कुछ लोग भागे हुए। इसलिए कुल मिलाकर कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर सभी मुख्यमंत्रियों से, अधिकांश मुख्यमंत्रियों से जो सर्वे भी आज तक आया है उसमें आदरणीय योगी जी लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। इसलिए प्रदेश के तरफ से, संगठन की तरफ से उनको बधाई देता हूँ। आदरणीय मोदी जी भी कई प्रधानमंत्रियों में जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता सबसे हाई है। इसलिए संपूर्ण जनता, देशवासी आदरणीय मोदी जी के साथ खड़े हैं, राज्य के लोग योगी जी के साथ खड़े हैं। किसान आंदोलन महाराष्ट्र पहुंच गया भाई साहब आज, सर पवार देखिए किसान है, किसान आंदोलन में आप स्वयं किसान नीति पढ़ लो और किसानों के लिए जो केंद्र में माननीय मोदी जी सरकार किया है और आगे भी कर रहा है, मतलब तैयार भी है कि आप बात करो, आप बात भी नहीं करना चाहते इस ऊपर। ये आंदोलन जिन लोगों के हाथ में नहीं होना चाहिए उन लोगों के हाथ में आंदोलन जा चुका है। किसानों के हित की उसमें कोई विषय हो तो आप बताओ। मैं कह रहा हूँ मंडी ख़त्म मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसान स्वतंत्र है कि अपना गल्ला कहाँ बेचेगा। MSP मैं कह रहा हूँ ख़त्म करूँगा नहीं, MSP मैं बढ़ा रहा हूँ और मोदी जी के आने के बाद MSP बढ़ी, सबसे क्रय केंद्र मैं खड़ रहा हूँ, सभी पर लागू है। चिरगांव से नाजमा आब्दी की रिपोर्ट। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास बरुआ सागर झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल AC रेस्ट हाउस, शादी विवाह बर्थडे पार्टी किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास स्टेशन रोड मऊरानीपुर। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, BSc कृषि BA, BEd BCom, BSc बायोमैथ, ग्राम धवाकर मऊरानीपुर झांसी।